और अभी एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर अभी एक बड़ी खबर आ गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको पता है कि 3 युवाओं की जान इसमें चली गई थी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर अभी की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एक ऐसा मामला जिसमें एमसीडी से लेकर तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में हैं और इसमें अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से कैसे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट का बहुत ही सख्त रुख देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, हाईकोर्ट की नाराजगी भी देखने को मिली थी सुनवाई के दौरान, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस की जो इस मामले में जांच रही है पिछले 4-5 दिनों की, वो जो है उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिन फाइलों को जब्त किया जाना चाहिए था अब तक वो नहीं देखने को मिला। और एमसीडी कमिश्नर भी वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कई तरह के सवाल पूछे। हालांकि दिल्ली पुलिस कोर्ट से एक अपील करती रही, हमको 3-4 दिनों का वक्त और दे दीजिए, हम आपको जो है भरोसेमंद जांच करके देंगे, हम आपके सामने तमाम तथ्य रखेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने अपना आदेश दिया, साफ तौर पर कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। कोर्ट ने इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस जांच की निगरानी करे, यानी कि मामले की जांच कौन करेगा, सीबीआई और सीवीसी इस मामले की जो जांच की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि सीवीसी जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करे, यानी कि जो सीबीआई जांच करेगी उस मामले की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। यानी कि कोर्ट का यह कहना है कि इस मामले में जिस तरीके की जांच हुई है और वो जो तथ्य सामने आए हैं वो उचित जांच की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश, अभी कुछ देर पहले जब कोर्ट सुनवाई कर रही थी, कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करते हुए जो फटकार लगाई थी, कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में आपने एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो अपनी जो गाड़ी लेकर के उस रास्ते से गुजरा, कहीं ऐसा हमको तो यह लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पानी के खिलाफ भी चालान बना दें। यानी कि कोर्ट कितना नाराज था, इस टिप्पणी से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तंज है कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, और उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे जिस अंदाज में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल मिलाकर अंकित, शुरू से इस मामले में देखने को मिला कि हीला हवाली करती एजेंसियां नजर आईं। अव्वल तो किसी रिहायशी इलाके में, देश की राजधानी दिल्ली में, ऐसे पानी क्यों जमा हो जाता है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं नालों की सफाई की जाती है, यह एक बहुत बड़ी जानलेवा लापरवाही थी। उसके बाद जब पानी अंदर चला गया तो वहां बेसमेंट में पढ़ाई क्यों हो रही थी, क्यों इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम की तरह उगाए हैं, यानी तमाम जो एजेंसियां हैं सवालों के घेरे में शुरू से थी। लेकिन जो ये हिला हवाली लगातार चलती रही अंकित, क्या इसी का परिणाम है कि हाईकोर्ट का यह सख्त रुख देखने को मिला है? बिल्कुल अखिलेश, और समझा जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, इस मामले में जैसे ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में उसको जमानत अब कोर्ट से मिली है, लेकिन एक ड्राइवर को आपने गिरफ्तार कर लिया ये कहते हुए कि वो तेज रफ्तार से गाड़ी निकाल के गया पानी में, उसकी वजह से गेट टूट गया और बच्चों के अंदर जो पानी जल भराव हो गया और बच्चों की मौत हो गई, ये अपने आप में हास्यास्पद जो है पुलिस की दलील थी। लेकिन फिर भी अब पुलिस की कार्रवाई है, अब तो कोर्ट ने जमानत दे दी है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। और इस सबके बीच में हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि दिल्ली में भयंकर अव्यवस्था है, यहां पर एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर टाला मटोल करती रहती है जब भी हम जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। कोर्ट यही नहीं रुकी, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि दिल्ली में यही नहीं पता चल रहा है कि आखिरी बार कैबिनेट की बैठक कब हुई, यानी कि दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, डीडीए हो, एनडीएमसी हो, जो तमाम संस्थाएं, पीडब्ल्यूडी हो, तमाम संस्थाओं सबको कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़ा किया है। और अब कोर्ट का अभी भी आदेश जारी है। इसमें कोर्ट अब आदेश में क्या कह रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि एमसीडी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि सभी नाले साफ हों, अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। यानी कि कोर्ट की चिंता ये जो घटना हुई है इसको लेकर तो है ही, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से नालों की सफाई नहीं होती है उसके चलते तो दिल्ली में जरा सी बारिश के बाद में बाढ़ ऐसे हालात बन जाते हैं। बिल्कुल, ये जो परिस्थितियां बार बार अंकित बनती हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह होती है कि बड़ी मछलियां नहीं फंसती हैं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ छोटी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है आई वॉश के तौर पर और फिर सारी चीजें ये जस की तस नजर आने लगती हैं।
शायद ये एक बड़ी वजह रही है कि इस बार दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख देखने को मिला है और अब इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी गई है और इसके ऊपर सीवीसी की भी नजर रहेगी। ये अभी की सबसे बड़ी खबर।